औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आज नवागत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रथम नगर आगमन पर ब्रिजस्टोन कंपनी के सभागृह में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह में पूर्व पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, अनुविभागीय अधिकारी रोशनी पाटीदार, नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेन्द्र सिंह बघेल, तीनों थाना के थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में कारखाना मालिक एवं प्रबंधक उपस्थित रहे। नवागत पुलिस कप्तान ने औद्योगिक संगठनों और मजदूरों को आश्वस्त किया कि पीथमपुर में किसी भी प्रकार का अपराध व अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को छोटे भारत से पूरे भारत की तरफ ले जाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें छोटे से छोटे मजदूर से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति के लिए मैं हर समय उपस्थित हूँ। वहीं पीथमपुर प्रेस क्लब द्वारा नवागत SP का स्वागत किया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। तो मंच पे आसीन उनसे विदा लेते हुए, विदा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, साथ ही काम करना है, क्योंकि जीवन पुलिस यहाँ रहने वाला है। तो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके हमेशा काम कर रहे हैं। आज इधर अति सुंदर काम करके यहाँ से प्रस्थान करने वाले आदित्य प्रताप सिंह जी, उद्योग जगत के सारे अधिकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग के हमारे मित्र अध्यक्ष गौतम कोठारी जी से बहुत पहले से लेकर के संवाद कभी कभी यदा कदा होते रहता है। दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी कायम है, उसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमको देखना होगा, काम करना होगा, क्योंकि आप इसे समझेंगे, आप इसे जानेंगे और इस पर कैसे कैसे और बेहतर यहाँ बन माहौल बने, इसका हम लोग सार्थक प्रयास करेंगे। गौतम कोठारी जी ने कहा कि ये मध्य भारत एक छोटा भारत है, तो मैं तो ये चाहूंगा छोटा भारत तो है ही, यहाँ अपने देश के विभिन्न शहरों से विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनियां यहाँ पे हैं। तो इसको हम लोग छोटे भारत से कैसा कैसे पूरा भारत बनाएंगे, इसके समाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता। जब समाज आगे बढ़ता है, विकास होता है। क्या है पीथमपुर आए हैं तो क्या आपको लग रहा है, किस तरह से कार्य योजना बनाएंगे? देखिए, पीथमपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जगत है और यहाँ जब तक सुंदर और स्वस्थ माहौल नहीं बनेगा, खासकर कानून व्यवस्था की दृष्टि से, तब तक विकास संभव नहीं हो पाता है। पुराने SP साहब ने बहुत ही सुंदर अच्छा उद्योग बनाया है, समन्वय काफ़ी बेहतर है, उसको और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इसको भूलने में और बेहतर माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ का विकास और अच्छे ढंग से सुंदर बने। जी, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।